सत्तर हजार सुबह हो गए सत्तर हजार शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख सुबह हो सत्तर हजार सुबह सत्तर हजार शाम, सुबह शाम यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, क्यों क्योंकि रुखसत की बार गागा से बस इस कदर की है। ये पत्नियां ना वो तो करोड़ों की आस जाए, इंतजार में बारी के इंतजार में करोड़ों कुदसी मनाएगा, अपनी बारी के इंतजार में कब वो दिन आए कब वो रात आए मेरी हाजरी होगी। ये पत्नियां ना वो तो करोड़ों की आस जाए, और बारगाह मरवा मते आम तर की गए, उनके ईमान पे दोनों बागों पर इशारा, उनके ईमान दोनों बागों पर खैल लैलो नहार फिरते खैल लैलो नहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का किस गली का किस गली का उस गली का तेरे दर का दरबान जिब्रील तेरा मदहा खान हर नबी ओ वली है। उस गली का जिस में नाज करना है इस पे कर इतराना है इस पर इतरा, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, देखो 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 मांगते ताजदार फिरते मांगते से कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अपना जाना और है उनका बुलाना और है, जो उनके बुलाए से जाते हैं ना खास जो खास होते हैं अखवस होते हैं खास मुखवास होते हैं उनका जाना ही और होता है। उधर गौसे आजम गए थे तब भी वो वाकया हुआ था कि मजार अनवर से हुजूर का दस्त अकदर बाहर आया था, और सदना शेख अहमद कबीर रिफाई भी जब गए थे तो जाकर अर्ज की उन्होंने कि हुजूर में जब दूर था ना तो आपकी बारगाह में अपनी रूह को भेजा करता था, आज मैं आपकी वर्गन में हाजिर हूँ, अपना दस्ते अनवर निकालिए ताकि मैं बोसा लूं। तो देखने वालों में गौसे आजम भी थे कि हुजूर के बाजार मुबारक से हुजूर का दस्ते करम बाहर तशरीफ लाया और हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई ने उनके हाथों को बोसा दिया। अपना जाना और है, आला हजरत ने भी जब ये तमन्ना जागी कि बेदारी में भी जियारत हो जाए तो ये नातिया गजल पेश की, अर्ज पूरी
नहीं हो। यूं कहो ना कि आशिक तड़प रहा था तो तड़पना अच्छा लग रहा था, तो और तड़पाया जा रहा था। फिर आला हज़रत ने आखिर में वो बात कह दी कि वो बात कहते ही पर्दे उठ गए। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हज़ार।